साग धो रहे हैं, हम मिट्टी देख सकते हैं कितना मिट्टी है। तो पालक के साग में बहुत ज़्यादा ही मिट्टी होता है, तो इस तरीके से धोने से काम नहीं चलेगा। उसे एक बर्तन में पानी लेकर छान कर धोना होता है। इस तरीके से पानी भर रहा है इसमें, इस तरीके से धो करके छान कर 3 से 4 पानी धोएंगे तब जाकर ये साफ होगा। इस तरीके से छान कर निकालना होगा, इसके पानी कितना गंदा है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में कैसे आग लगी हुई है, और ये बहुत ही पुरानी कढ़ाई है और लकड़ी के आँच पर इस कढ़ाई में खाना बनाते हैं, तो पीछे का जो भाग है तेल मसाले से और फिर लकड़ी के आँच से काला पड़ गया है। तो इस तरीके से उसे जलाकर हम साफ़ कर रहे हैं। तो पीछे का जो है बहुत ही जिद्दी दाग था, छूट नहीं रहा था, तो इस तरीके से पहले गर्म करके फिर इसे हम साफ़ करेंगे रगड़ कर। तरह पुराने से पुराने जली हुई कढ़ाई को और भी जलाकर साफ किया जा सकता है। मेरा नाश्ता सैंडविच और ये चाय, बर्गर सैंडविच बहुत पसंद है मुझे। तुम नहीं खाओगी? नहीं, तुमको ठंड लग गया था उस दिन खाई थी। तो देखो काला नमक और लाल मिर्ची मिलाकर चटपटा सा अमरूद, तुमको नहीं खाना है, आज भी नहीं खाएगी ना? ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, कौन सा ज़्यादा है। नहीं खाएगी ना? नहीं, लो लो लो, इसको और कुछ नहीं खा पाएंगे। बोल साहब, ले आराम से जराफी से चला, आज रास्ते करो, मिल गया तो लग गया उसमें। तो
आज बड़े दिनों बाद चाय के साथ रोटी खाएंगे। तो चाय, रोटी, आलू की भजिया, आलू की भुजिया और अचार। रोटी के साथ आज अचार और प्याज खाने का मन कर रहा था, तो रात का डिनर हम लोग का यही है। और बच्चे मटर की घुघनी खाएंगे, तो घुघनी बन रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। आज जल्दी भूख लग गई हमको। तुमको गर्मा गर्म भुजिया जो होता है क्रिस्पी, वही अच्छा लगता है। तो गर्म गर्म बना, तो मैं अभी खाने लगी। तो कल रात का खाना खाने के बाद हमें याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग को भी एंड करना है, मैं भूल ही गई और वीडियो एडिट करने में लग गई। चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। और जैसे कि मैं अभी सुबह सुबह छत पर चली आई हूँ, तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर दूँगी। और कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा ब्लॉग वीडियो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक किया कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।